और उसमें इमरान खान बैलेट के जरिए से भारी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में जीते हैं। जो 9 फरवरी का इलेक्शन था उसमें नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, ये बैलेट और बुलेट के मुकाबले में बैलेट जीता है। दूसरी बात यह कि यह पाकिस्तान का वाइड इलेक्शन था जिसमें एक तरफ बैंगन था और दूसरी तरफ बिलियन डॉलर मैन था, जिसको इंग्लैंड में 2 साल सुलाने के बाद लंदन प्लान के जरिए वापस आने के लिए उम्मीदें पाकिस्तान कहा गया। ये बड़ा जुल्म है और वैसा ही जुल्म है जैसा जुल्म ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में 1970 के अंदर हुआ था, कि जो यूथ है पाकिस्तान की उन्होंने, और 14 करोड़ तकरीबन लोगों ने वोट दिया है, 14 करोड़ लोगों ने फैसला दिया है, 14 करोड़ लोगों की राय 1400 से भी कम लोग बैठ के कैसे बदल सकते हैं और उसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी सियासी जरूरत और मुस्बत नतायज का नाम देके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में से जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं उनमें हम वाजे बर्तरी के साथ हैं 179 सीट्स के ऊपर नेशनल असेंबली में, और इसलिए ये पाकिस्तान के लोगों की इज्जत का, दस्तूर की तौकीर का सवाल है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको, जिसको इलेक्शन में सिलेक्ट किया गया है, और लोगों की ये सिलेक्शन है, ये 8 फरवरी के इलेक्शन के जरिए से हुई है, लेकिन 9 फरवरी वाला नतीजा जो है उसको हम मुस्तरद करते हैं, वो किसी सूरत में भी नहीं मानेंगे, उसको सारी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको मुस्तरद किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी को, यूके ने जहां से लंदन प्लान आया था उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी को मुस्तरद किया है, अमेरिका जहां से डोनाल्ड लू बोला था रिजीम चेंज के लिए उन्होंने भी हाथ उठा लिए, उन्होंने भी मुस्तरद कर लिए। दुनिया का कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा काबिल जिक्र जमहूरी मुआशरा नहीं है जिसने इसको मुस्तरद ना किया, पाकिस्तान की कौम ने पहले ही मुस्तरद कर दिया। बैंगन जीता है, बिलियन डॉलर मैन हारा है, ये नतीजा तस्लीम किया जाए। दो लोगों ने, एक अपने हल्के में लुंड साहब ने कहा और दूसरा मुफ्ती किफायत साहब ने कहा, और उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया, उनको मैं शाबाश देना चाहता हूं, ये जमहूरी स्पिरिट यही है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका लेजिटिमेट राइट उससे महरूम किया गया तो ये ना इस्तेकाम आएगा, ना जमहूरियत आएगी, ना आईन आएगा, ना अमनो अमान आएगा, इसलिए कि लोगों के दिलों में इस वक्त शदीद किस्म की बेचैनी है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैनलाइज कर रही है। आज का जो आपने देखा अभी तक का जो भी इलेक्शन है रुका हुआ, उसमें पूरा जोर लगाया जा रहा है किसी तरीके से फज फिगर करके उसको रिग किया जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सक रही है इनकी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पे जो मेजॉरिटी पार्टी है, अभी हमारे 1 करोड़ से ज्यादा वोट हैं, जिस दिन भी नतीजा सही वाला ये निकलना है, आज नहीं तो कल निकलना है, निकलेगा तो आप देखेंगे 60 लाख के तो बर्तरी मान रहे हैं लोग कि हमारी बाकी सारी पार्टियों के ऊपर है। जो नियरेस्ट हमारा बिलियन डॉलर मैन आया था उसको बैंगन ने 60,000 से हरा दिया, 60 लाख से 6 मिलियन से हरा दिया है। इसलिए मैं 3 मुतालबात सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि हमारा लेजिटिमेट राइट है, हमें हुकूमत बनाने दी जाए केपी में, पंजाब में और मरकज में। दूसरा ये कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर वो सामने आ सके और वो कौम को बताएगा कि ये मेरा एजेंडा है। 2 सालों में मशरकी पाकिस्तान में भी 1968 से 70 तक मजालिम करके मुस्बत नतायज हासिल नहीं कर सके थे हम, बदकिस्मती के साथ, अल्लाह ना करे कि वैसा कोई और सूरत हाल कभी पैदा हो। लेकिन यहां भी 2022 से 2024 तक सारा जोर लगा के कोई मुस्बत नतायज नहीं ले सका। ये वो मॉडल है जिसको मैंने कहा याया खान मॉडल। दूसरा मुतालबा
इमरान खान की रिहाई के साथ साथ फौरी तौर पे सदर अपना पार्डन का राइट इस्तेमाल करें। और मैं सदर साहब से दरखास्त करना चाहता हूं, आपके जितने भी हफ्ते और हैं आप तारीख लिखें। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जितने भी महीने और हैं आप तारीख लिखें, इसलिए कि 1970 का जो इलेक्शन कमीशन था वो स्याह दाग को छोड़ के गया, सान्या बंगाल छोड़ के गया, सुकूते ढाका छोड़ के गया। इसलिए जो नवाज शरीफ है वोट की बेइज्जती के जरिए से उसको ना सरकार मिलेगी, ना दरबार मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी। उसको भी होश करने चाहिए इस उम्र में। ये 1984 नहीं है जब नामजदगी चल सकती है, ये 1985 नहीं है जब नॉन पार्टी बेसिस पे ऊपर इलेक्शन हुआ है। ये वो मुल्क है जिसमें तकरीबन 70% बच्चे हैं। इन बच्चों के हाथों से वो पर्ची जो अबाबील की तरह तुम पे गिरी है और अबरा के हाथी की तरह परखचे उड़ गए तुम्हारी पूरी पार्टी के, उसको तस्लीम करो। ये तारीख का सबक है, इसको मानो। और दो बातें मैं और कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो आईन से फौरी तौर पे शो मोटो नोटिस का इख्तियार वो वापस ले लेना चाहिए, आईन में तब्दीली कर देना चाहिए। इससे बड़े भी कोई जुल्म हो सकते हैं? शांगला में कितने लोग शहीद हुए आपने देखा, कितने लोगों की सर पटोल हुई आपने देखा। सर्विस ऑफ पाकिस्तान की वो बेइज्जती हुई है जिसका हिसाब नहीं। आरओ कहां से था? सर्विस ऑफ पाकिस्तान से था। डीपीओ कहां से था? सर्विस ऑफ पाकिस्तान से था। लोग इस्तीफे दे रहे हैं, लोग इस्तीफे की वजूहत लिख रहे हैं, वो कहते हैं 35 साल में हमने ये नहीं देखा जो 3 दिनों में हमारे ऊपर गुजरी है। और मैं जो डीपीओ के साथ हुआ डीजी खान में, उसकी तस्वीरें आप तस्वीरें देख के देख लें किसने किसके साथ क्या किया। मैं पुलिस को कहना चाहता हूं, हम आपको कहते रहे, इमरान खान भी आपको कहते रहे कि सरकार के कहने के ऊपर जुल्म ना करो। ये जुल्म का अफरीत अब दरवाजा तोड़ के तुम्हारे कमरे में भी, डीपीओ के कमरे में भी घुस गया है। ये इंतहाई काबिले मुजम्मत है कि सर्विस स्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा रहा है, जमहूरियत को बर्बाद किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन हमारा पुरम एहतजाज, हमारी पुरम जिद्दोजहद 3 नुकात तक जारी रहेगी जब तक ये सही नतीजा सामने नहीं आता, नंबर एक। और दूसरा ये है कि जब तक लेजिटिमेट राइट रखने वाली पार्टी को हुकूमत बनाने का, आज करें कल करें आपको करना पड़ेगा, आप नहीं भाग सकते। ये नहीं कि हमारा मुतालबा पूरा होता। और तीसरा ये है कि इस कौम का फैसला है कि हम हकीकी तौर पर आजाद हैं, आजादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इमरान खान ने अपने रिसेंट मैसेज में जो कल हमने सुनाया कोर कमेटी के इजलास में, उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं अवाम के इस मैंडेट से किसी को ना भागने दूंगा और ना ही किसी कीमत के ऊपर मैं इससे पीछे हटूंगा। इसलिए जो बाकी खबरें चलती हैं उन पर तवज्जो मत दें, वो पूरे कद से, पूरे हौसले से, पूरे अज़्म से और पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ आपके लिए खड़ा है। बाबरवाल साहब, आप बताएं 9 मई में और 9 फरवरी में कितना फर्क है? जो 7 मार्च 1970 है उसकी तारीख 9 फरवरी 2040 है, कुछ भी नहीं बदला। वही हालात हैं फकीरों के और दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। आप बगैर बल्ले के ट्रिपल सेंचुरी को किस तरह देखें? देखें, कमाल हो गया है, बल्ले के बगैर डबल सेंचुरी से ऊपर चले गए हम, और वोट के बगैर नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच कर दी। एक सवाल टेक्निकल,